मध्य प्रदेश के मुरैना से लगे हाईवे पर भक्तों की भीड़ लगना शुरू हो जाती है। पुजारी हाथों में पूजा की थाली लिए मंदिर में जाते हैं, जोर जोर से जयकारे लगाए जाते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि ये जरूर किसी देवी या फिर देवता का मंदिर होगा, तो ऐसा नहीं है। ये मंदिर है क्रांतिकारी राम प्रसाद बिस्मिल जी का। आइए जानते हैं डेली बज इंडिया में राम प्रसाद बिस्मिल जी के बारे में। 11 जून 1897 को उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में जन्मे राम प्रसाद बिस्मिल बचपन से ही आजाद पसंद व्यक्ति थे। इसी के चलते ये महज 14 साल की उम्र में नशे के लती हो गए। उस समय किसी भी व्यक्ति ने इस बात का अंदाजा नहीं लगाया होगा कि इस बच्चे का नाम इतिहास के पन्नों में अमर हो जाएगा। राम प्रसाद बिस्मिल 11 साल की आयु से ही स्वतंत्रता आंदोलन में शामिल होने लगे थे। राम प्रसाद बिस्मिल जी के जन्म से पहले उनकी मां ने एक और बेटे को जन्म दिया था, लेकिन बीमार रहने की वजह से, तबीयत खराब रहने की वजह से उसका निधन हो गया था। राम प्रसाद बिस्मिल के जन्म के बाद वो भी बीमार रहने लगे और परेशान पिता ने उनकी झाड़ फूंक करवाई, लेकिन कुछ समय बाद वो खुद ठीक हो गए। 9 भाई बहनों में बड़े राम प्रसाद बिस्मिल महज 14 साल की उम्र में ही नशे के लती हो गए। वो अक्सर घर से पैसे चुरा कर नशा करने लगे थे, लेकिन बिस्मिल को पढ़ना भी बहुत पसंद था और वो अक्सर चुराए हुए पैसों से किताबें और उपन्यास खरीद कर लाया करते थे। जैसे जैसे बिस्मिल बड़े होते गए, उनके नशे की लत बढ़ती गई। वो एक दिन में 50 से 60 सिगरेट पी जाया करते थे, लेकिन जब वो मुंशी इंद्रजीत और आर्य समाज के संपर्क में आए तो उन्होंने ये आदत छोड़ दी और ब्रह्मचर्य का पालन करने लगे। क्रांतिकारी और स्वतंत्रता के आंदोलन से जुड़ने के लिए राम प्रसाद बिस्मिल ने अपना घर तक छोड़ दिया। वो पूरी तरह से स्वतंत्रता पाने के लिए इस आंदोलन में कूद पड़े। राम प्रसाद बिस्मिल ने मशहूर क्रांतिकारी संगठन हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की शुरुआत की। रिपब्लिकन एसोसिएशन की शुरुआत में चंद्रशेखर आजाद और अशफाक उल्ला खान जैसे बड़े क्रांतिकारी भी उनके साथ जुड़े। बाद में जब भगत सिंह इस संगठन में शामिल हुए तो उन्होंने इसका नाम बदलकर हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन कर दिया। बिस्मिल एक अच्छे कवि और शायर थे। बिस्मिल को साल 1918 में बैन किताबें छापने और बेचने के लिए अंग्रेजी सरकार ने गिरफ्तार कर लिया और उन पर मुकदमा भी चला। इसके बाद राम प्रसाद बिस्मिल मैनपुरी षड्यंत्र केस में जेल गए, लेकिन इस महान क्रांतिकारी का जीवन देश की आजादी को समर्पित था। इसके चलते उन्होंने साल 1925 में काकोरी षड्यंत्र के दौरान लखनऊ में अंग्रेजी सेना के लिए आ रही जर्मन पिस्तौल लूट ली, जिसके लिए इन्हें फांसी की सजा सुनाई गई। काकोरी कांड में भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद और राजगुरु जैसे कई क्रांतिकारियों के नाम जोड़े जाते हैं, लेकिन इस कांड में अंग्रेजी सरकार ने बिस्मिल और अशफाक उल्ला खां मुख्य आरोपी मानते हुए दोनों को फांसी की सजा सुनाई। साथ ही दोनों पर अंग्रेजी सरकार ने दबाव बनाया कि वो सरकारी गवाह बन जाएं तो उनकी सजा कम कर दी जाएगी, लेकिन दोनों क्रांतिकारी हंसते हंसते फांसी पर झूल गए, लेकिन एक दूसरे को धोखा नहीं दिया। इन दोनों की अटूट दोस्ती की मिसालें आज भी दी जाती है। ना किसी धर्म के आधार पर, ना किसी मजहब के आधार पर ये बटे हुए थे, इसीलिए आज भी इनकी दोस्ती को याद किया जाता है और उनकी मिसाल दी जाती है। इन्होंने अहिंसावादी सोच से निराश होकर बंदूकें उठा ली। चोरी चोरा कांड के बाद गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस लेने का फैसला किया, जिससे राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाक दोनों काफी निराश हुए। उनका मानना था कि मांगने से स्वतंत्रता मिलने वाली नहीं है, इसके लिए हमें लड़ना होगा, क्योंकि इतने कम संख्या होने के बावजूद भी अंग्रेजों ने अच्छे हथियार और डेवलप्ड टेक्नोलॉजी के दम पर पूरे देश को गुलाम बना लिया है। राम प्रसाद बिस्मिल सच पर अड़िग रहने के धनी थे। अपनी आत्मकथा में एक वाक्य का जिक्र करते हुए उन्होंने बताया कि एक बार पिताजी दीवानी में किसी पर दावा करके वकील से कह गए थे कि जो काम हो वो बिस्मिल से करा ले। कुछ जरूरत पड़ने पर वकील साहब ने इन्हें बुलाया और कहा कि वकालतनामे पर पिताजी के हस्ताक्षर कर दो, पर बिस्मिल ने ऐसा करने से मना कर दिया क्योंकि इन्हें वो पाप लगा। वकील साहब ने बहुत समझाया कि 100 रुपए से अधिक का दावा है, मुकदमा खारिज हो जाएगा, लेकिन इन पर कोई असर नहीं पड़ा और आखिरकार इन्होंने दस्तखत नहीं किए। आत्मकथा में ये लिखते हैं कि मैं अपने जीवन में हर तरह से सत्य का आचरण करता था, चाहे कुछ हो जाए सत्य बात कहता था। बिस्मिल ने गोरखपुर जेल में बंद रहने के दौरान ये आत्मकथा लिखी थी और उन्होंने ये आत्मकथा अपने आप को फांसी दिए जाने से 2 दिन पहले पूरी की थी, जिसके बाद मशहूर पत्रकार गणेश शंकर विद्यार्थी ने बिस्मिल की इस आत्मकथा को प्रकाशित कराया था। 19 दिसंबर 1927 को महज 30 साल की उम्र में उन्हें फांसी दे दी गई। बिस्मिल ने फांसी का फंदा अपने गले में डालने से पहले भी सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है,
कविता पढ़ी थी और हंसते हंसते मौत को गले लगा लिया। ऐसे महान क्रांतिकारी और स्वतंत्रता सेनानी को डेली बज इंडिया उनकी जयंती पर नमन करता है। कैसी लगी आपको ये कहानी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और डेली बज इंडिया को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।